अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे अल्लाह ताला की रहमत करम से। दोस्तों, आप अगर एक टीचर हैं और आप अच्छी जॉब की तलाश के अंदर हैं, मीन्स दैट कि अगर आपकी सैलरी कम है और आपको एक अच्छा इदारा पढ़ाने को नहीं मिल रहा, तो आज आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। मैं आज आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो और ऐसे न्यूज़ लेकर आया हूँ जिससे आप सुन के आपको बड़ी खुशी होगी और आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप ये जॉब के लिए अप्लाई करें, जॉब हासिल करें और प्लस जॉब के साथ साथ सैलरी पैकेज बहुत अच्छा है। तो आज की हम वीडियो में डिस्कस करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, जैसे कि आपको जानते हैं कि पूरे पंजाब के अंदर दानिश स्कूल और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के नाम से बहुत सारे तालीमी इदारे हैं जहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं और उनको पढ़ाने के लिए टीचर्स की ज़रूरत होती है। अब पंजाब दानिश स्कूल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है तांदलियावाला, जो कि फैसलाबाद के अंदर इदारा है, वहाँ पर टीचर्स के लिए जॉब्स आई हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। वहाँ आप अप्लाई करें। अच्छा, उसके बाद आप इसका जो प्रोसीजर होता है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि वहाँ पर किन किन सब्जेक्ट्स के लिए जॉब हैं। उसमें मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, कंप्यूटर, उर्दू, इस्लामियात, फाइन आर्ट्स और मोंटिसोरी। उसमें मेल्स की भी सीट्स हैं और फीमेल्स के लिए भी सीट्स हैं। और स्क्रीन के ऊपर आपको ये इनकी जो ऐड है वो नज़र आ रही होगी। आप इसमें अच्छी तरह इसको पढ़ के देख लें। और उसके अलावा मैंने जो कम्युनिटी टैब है वहाँ भी मैंने इसकी पोस्ट शेयर कर दी है, वहाँ से आप इसको अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। दूसरा, आप इसके लिए जो एज लिमिट है वो मैक्सिमम आपके पास 55 ईयर्स, अगर आपकी एज है तब भी आप इसको, 55 ईयर से कम है तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास जो जो एजुकेशन है उसके में एमएससी होनी चाहिए, एमएससी केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, कंप्यूटर साइंस हो तो उसमें, उसके अलावा बीएड होना चाहिए और जो लास्ट डिग्री है यानी कि एमएससी डिग्री एटलीस्ट सेकंड डिवीज़न ज़रूर हो तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने से। कि अब इसका जो लास्ट डेट भी आपको सामने स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है, लास्ट डेट से पहले आप अप्लाई करें। अब इसका जो प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर बहुत ही आसान प्रोसीजर है। आपने इस एड्रेस के ऊपर टोटल आप अपनी सीवी, हर चीज़ उसमें पार्सल करके और अपनी जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसके ऊपर लिखे हुए हैं, जो जो आपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं उसमें सिंपल आपने आपके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी, आईडी कार्ड, पिक्चर और इसके अलावा आप इसका जो आपकी सीवी है वो आप इनको इनके एड्रेस के ऊपर आप सेंड कर देंगे। और किसी भी फूड स्टेट की शॉप पे जाएं, वहाँ से आप दानिश स्कूल का जो एप्लीकेशन है, अप्लाई करने का फॉर्म है, वो भी आपको वहाँ से डाउनलोड करके मिल जाएगा। तो वहाँ उनके थ्रू अप्लाई करके आप उसको TCS कर सकते हैं। तो लास्ट डेट से पहले पहले आप लोगों ने अप्लाई करना है ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब उसके आगे क्या होगा जब आप अप्लाई कर लेते हैं, देखिए जब आप अप्लाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स होंगे अप्लाई करने के लिए, उसमें जो जिनको वो शॉर्टलिस्ट करेंगे उनको फिर आप बुलाया जाएगा टेस्ट के लिए। आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड रिटर्न टेस्ट होगा और रिटर्न टेस्ट जब आपका हो जाएगा तब दोबारा फिर आपको बुलाएंगे। आप टेस्ट पास करते हैं फिर आपको डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए बुलाएंगे, यानी कि आपको बुलाएंगे क्लास में जाके, आपने डेमो देना होगा किसी भी टॉपिक के ऊपर जो भी वो आपको बोलेंगे। तो आपने वहाँ अच्छी सी प्रिपरेशन करके डिमॉन्स्ट्रेशन देनी है। अगर आप टीचर हैं तो आपके लिए, आपको अपने सब्जेक्ट के ऊपर महारत हासिल है, आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं, तो इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा पढ़ाने में। बच्चों को ही पढ़ाना है तो वो भी आप आसानी से पढ़ा लेंगे। जब आपकी डिमॉन्स्ट्रेशन अच्छी हो जाएगी फिर आपका फाइनल इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में पूरा पैनल बैठता है। अब इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चनिंग किए जाएंगे, आपसे सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपकी जो लाइफ से रिलेटेड, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड और एक्सपीरियंस से रिलेटेड, जो भी आप जहाँ जहाँ जिन इदारों में पढ़ाते रहे हैं। तो ये इनका कंप्लीट प्रोसीजर है और इंटरव्यू के बाद आपकी फ़ाइनल सिलेक्शन होगी, आपको कॉल आ जाएगी। तो जल्दी से जैसे ही आपको पता लगे फ़ौरन आप अप्लाई कर दिया करें। मेरे इस चैनल के ऊपर मैं बताता रहता हूँ कि किस दानिश के इदारे के अंदर एड्स आई हुई हैं और आप अप्लाई करें। तो जल्दी से, अगर आप फैसलाबाद वाली साइट पे रहते हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो कि फैसलाबाद में रहते हैं, गोजरा के अंदर रहते हैं या पैंसरा के अंदर रहते हैं, इर्द गिर्द रहते हैं, तो वो लोग यहाँ पे अप्लाई करें और जॉब को सिक्योर करें। और सैलरी पैकेज माशाल्लाह बहुत अच्छा है, 40,000 स्टार्ट में है, उसके बाद 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड होता है,
6 महीने या 1 साल का, उसके बाद फिर आपकी डायरेक्ट 70,000 हो जाती है। तो मेरे ख्याल में महंगाई के दौर में अच्छा सैलरी पैकेज है। फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट का जो स्केल वाइज इंक्रीज़ होती है, वो जीवन इसका स्केल होता है, तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप अप्लाई करें और अपना फ्यूचर सिक्योर करें। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास आएँ। इसी के साथ ज़ुबैर शेख को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।